हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल HD फूड सीरीज में। आज मैं आपके लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे हम दही बड़े में, चाट में, समोसे में और भी बहुत सारी चीज़ों में खाते हैं। और ये एकदम फटाफट से बन भी जाती है और इसे हम फ्रिज में बहुत दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन हो फ्रिज से निकाल के इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाएं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 100 ग्राम इमली, जिसे मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब मैं इसमें लगभग 2 कप पानी मिला रही हूँ, जिससे ये इमली फूलकर सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी इमली फुलाना है तो आप इसमें गर्म पानी डाल लीजिए। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इमली को चेक कर लेते हैं। इमली एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है और ये अच्छे से फूल चुकी है, तो इसे अब हम पकाएंगे। इमली पहले से ही फूलकर सॉफ्ट है तो इसे पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसे बस हम मीडियम आँच पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। या फिर जब तक आपकी इमली एकदम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे पका लीजिए। ये देखिए, इमली एकदम पककर सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा हो चुका है लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें पानी मिला लेती हूँ और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपने सीडलेस इमली ली है तो आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ मैं हाथ से ही इसका पल्प निकाल रही हूँ। इस प्रकार मैश कर लीजिए पूरा। अच्छे से मैश होने के बाद अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। इसे अच्छे से दबाते हुए छन्नी में पूरा पल्प निकाल लेंगे और इसके जो बीज और रेशे हैं उसे हम बाहर कर देंगे। इस प्रकार से पल्प हमने पूरा निकाल लिया है और अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1/2 छोटा चम्मच देसी घी गर्म करेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग और इसे पकने देंगे। हींग पक गई है, अब इसमें हम डाल देते हैं पल्प। इमली का जो हमने पल्प निकाल के रखा है उसे डाल देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 1 छोटा चम्मच सादा नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक और भुना पिसा जीरा डालेंगे 1 छोटा चम्मच, दरदरी कुटी हुई सौंफ डालेंगे 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च डालेंगे 1 छोटा चम्मच, सौंठ पाउडर भी 1 छोटा चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास सौंठ पाउडर ना हो तो आप इसमें अदरक का पेस्ट भी 1 चम्मच मिला सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच किशमिश, इससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। इमली की मीठी चटनी बना रहे हैं तो इसमें अब हम डालेंगे 100 ग्राम गुड़ और 4-5 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। आप इसमें सिर्फ गुड़ या सिर्फ शक्कर भी डालकर इमली की चटनी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट जैसी चटनी चाहिए तो आप इसमें दोनों डालिए, उससे इसका टेस्ट एकदम बहुत अच्छा आता है।
अब इसमें हम मिला देते हैं एक छोटा चम्मच खरबूजे के बीज, इससे इसका नटी फ्लेवर आ जाएगा। इसमें आप खजूर के भी छोटे छोटे से टुकड़े काटकर डाल सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आप चटनी को लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें डालिए एक चौथाई छोटा चम्मच साइट्रिक एसिड, इससे आपकी चटनी 5-6 महीने तक एकदम ख़राब नहीं होगी। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है या फिर आप साइट्रिक एसिड नहीं डालना चाहते हैं तो भी आप चटनी को 5-6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए चटनी बनाते समय हमें इसे अच्छी गाढ़ी होने तक पकाना है। जैसे हम एक तार की चाशनी बनाते हैं वैसे ही हमें चटनी भी चेक करना है। जब हमारी चटनी पकते पकते एकदम गाढ़ी हो जाए तो उसे हम एक दो ड्रॉप ठंडा करके उंगली पर चिपकाएंगे तो उसमें से तार निकलने लगेगा। एक तार की चाशनी जितना ही चटनी को हमें पकाना है। चटनी पककर तैयार हो गई है और अगर हमें इसे अभी जल्दी यूज करना है तो इस कंसिस्टेंसी की चटनी एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर हमें इसे लंबे समय तक स्टोर करना है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। लगभग 2 मिनट आप और पका लीजिए। ये देखिए अब मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ। चटनी थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो मैं इसे अलग बोल में निकाल लेती हूँ। अभी ये और ज़्यादा ठंडी होगी तो और भी अच्छी गाढ़ी चटनी तैयार हो जाएगी। ये देखिए चटनी थोड़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है तो अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो चटनी हमारी तैयार है और एयर टाइट कंटेनर में भर के इसे पूरे आप 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका चटनी खाने का मन हो तो आप इसे निकालिए और अगर आपको चटनी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर आप इसे पतला कर लीजिए और फिर इसे यूज करिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।